नमस्ते साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही विशेष आसनों का अभ्यास डायबिटीज़ व टमी फ्लैट करने के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अभ्यास क्रम। सबसे पहले हम करते हैं मंडूक आसन का अभ्यास। अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करके अपनी नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे, एक बार सांस भरेंगे और पूरा सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे और अपनी गर्दन को आगे खींच कर रखेंगे, नज़र सामने, पूरा सांस बाहर, सांस भरते हुए धीरे से वापस। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए व फ्लैट टमी करने के लिए बहुत अच्छा आसन है और साधारण सामान्य सा आसन है। इसके बाद करते हैं योग मुद्रासन। अपने हाथों की उंगलियों को कमर के पीछे आपस में डालें और श्वास छोड़ते हुए सामने झुक जाएं, मैक्सिमम आगे झुकें जितना आप जा सकते हैं। ठोड़ी लगाएं जमीन पर या माथा लगाएं। अपने हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचें, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा आसनों का अभ्यास क्रम आपके लिए चुनकर ये वीडियो तैयार की गई है। जब भी हम कोई आसन करते हैं, कोई भी योग का अभ्यास करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो उसमें हमें हर क्रिया को तन्मयता के साथ करना चाहिए। तन और मन जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रत्येक चीज का लाभ मिलता है और वह पूर्ण होती है। अब अर्धमत्स्येन्द्रासन के लिए चलते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक अभ्यास, जो बहुत एडवांस नहीं कर सकते, फैट ज्यादा है या शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो वो लोग इस प्रकार से आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पैर को सीधा रखें, दूसरे को घुटने तक मोड़ें, दूसरे पैर के बाहर की तरफ रखें और जो पैर आपने मोड़ा है उसका अपोजिट हैंड उस घुटने के बाहर की तरफ से लेकर आएं और पंजे को पकड़ें। दूसरा हाथ पीठ के पीछे और उसके कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखने का प्रयास करते रहें। श्वास सामान्य, धीरे धीरे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हुए जो पैर सीधा था उसको हमने मोड़ लिया है। वही पिछली वाली सेम स्थिति, केवल हमने पैर को मोड़ा, उससे ही ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब इससे आगे मत्स्येन्द्रासन की पूर्ण स्थिति, पीछे से हाथ घुमाते हुए अपनी थाई को पकड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल मुस्कुराते हुए आनंद के साथ योग की प्रत्येक क्रिया को करते रहें और मन में भावना करते रहें कि मैं जिस कार्य के लिए ये अभ्यास कर्म कर रहा हूँ, मेरा वो कार्य पूर्ण हो रहा है। ईश्वर मुझे वह शक्ति प्रदान कर रहे हैं। वायुमंडल के अंदर परमात्मा की अलौकिक शक्तियाँ सदा विद्यमान हैं और जब हम भावना के साथ योग करते हैं तो हम उन सभी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगला आसन पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिम उत्तान अर्थात पृष्ठी भाग को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ करके दिखाना। पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे, पैरों के अंगूठों को उंगलियों का हुक बनाते हुए पकड़ेंगे। जितना स्टार्टिंग में आपसे बने उतना करें, बहुत ज्यादा शुरुआत में खिंचाव पैदा ना करें। बिल्कुल सामान्य से मुस्कुराते हुए, जिन लोगों को पसीने में दुर्गंध आती है, पश्चिमोत्तानासन उनके लिए बहुत ही विशेष आसन है। पसीने की दुर्गंध को समाप्त कर देता है और हैमस्ट्रिंग को बहुत मजबूत बना देता है, बढ़े हुए फैट को कम कर देता है, श्वसन रोगों में भी लाभ करता है। और ये जो आसन है उष्ट्रासन, यह श्वास के रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बहुत बढ़ा देता है और डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद हम कमर को रिलैक्स करते हैं, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, अपने घुटनों को पकड़ेंगे और झूलने का प्रयास करेंगे। अपनी कमर को रिलैक्स करेंगे ऊपर नीचे झूलते हुए, एक एक वर्टिब्रा को फील करते हुए।
तो साथियों, आज हमने ये डायबिटीज और फ्लैटमी के लिए योग अभ्यास का क्रम किया है। आप सभी इसका अभ्यास करें और लाभ